नमस्कार, मैं परवीन अलावत। आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और पिछले कुछ समय से हरियाणा प्रदेश की जनता सत्ता को भी देख रही है बारीकी से, उसके राजनेता को भी देख रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने यह भी देखा है किस तरह से राजनेता हैं लोगों की गर्दनों पर फरसे चलाने तक आतुर हो गए। लोगों ने यह भी देखा है कि पीटीआई हैं उनको हटा दिया गया है। लोगों ने यह भी देखा है किस तरह से नई नियुक्तियां हैं वो हरियाणा प्रदेश में नहीं की जा रही हैं। लोगों ने मंडियों में किसानों की बदहाली को भी देखा है। लोगों ने यह भी देखा है किस तरह से झूठे वादे करके राजनेता सत्ता तक पहुंच गए। 5100 रुपए पेंशन देंगे, किसान कर्ज माफी देंगे, जाट आरक्षण के बच्चों को निकलवाएंगे। और आज तो पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा है कि सत्ता किस तरह से सरकारी कर्मचारियों के मुंह पे लगातार तमाचे मार रही है। पूरा मुद्दा है, ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। इस पर सफाई देने के लिए मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय गुलिया, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने लोगों के साथ वायदे कुछ और किए थे और बीजेपी को सत्ता तक बिठा दिया। खट्टर साहब दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अजय जी, मेरा पहला सवाल ये है, सोनाली फोगाट ने या कहें कि सत्ता ने आज जिस तरह से सरकारी कर्मचारी के मुंह पर तमाचा मारा है, जो ये थप्पड़ कांड हुआ है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहला आपका स्टैंड क्या रहेगा इस मुद्दे पर? कानून अपना काम करेगा। देखिए प्रवीण भाई, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कानून की दृष्टि में सब समान है, चाहे कोई विधायक है, कोई मंत्री है, चाहे कोई कितना बड़ा नेता है, आम आदमी है, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। कानून अपना काम करेगा, जो कानून ठीक होगा वो काम कानून अपना करेगा, पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई करेगा और जांच में जो सामने आएगा वो जो दोषी होगा उस पर। सर, आप जानते ही होंगे उस शख्स ने बयान दिया है कि जबरदस्ती गन पॉइंट पे माफीनामा लिखवा लिया जाता है, उसके बाद शख्स को मीडिया का सहारा होता है, मीडिया के सामने पूरी पोल है वो खोल दी जाती है, तो ऐसे में कैसे कानून पे भरोसा किया जा सकता है, ये बताइए। नहीं देखिए प्रवीण भाई, पुलिस कानून न्यायालय किस लिए है? लोगों को न्याय मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर उनकी कोई शिकायत है वो उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो पुलिस लेगी। मैं इसके लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीजेपी की गलतियाँ छुपा देते हैं, बीजेपी आप लोगों की गलतियाँ छुपा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप आपके बयानों से कि आप सत्ता कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में आपकी पार्टी के नेता एमएलए हॉस्टल में शराब वाले कांड में गिरफ्तार हुए थे, प्रवीण भाई, उस पे बीजेपी ने पर्दा डाल दिया। नहीं प्रवीण भाई, आप इस चीज पे पर्दा डाल दीजिए, हरियाणा प्रदेश को लूटने का। देखिए आप देखिए प्रवीण भाई, एक कानून की प्रणाली होती है कि पुलिस जांच करेगी और जांच में कौन दोषी पाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। न्यायालय किस लिए बने? हम आप बैठ करके निर्णय नहीं ले सकते किसकी गलती है किसकी नहीं, वहां क्या हुआ आज प्रथम दृष्टया जो हमें दिखाई दिया जी। जो अभी देखे हमने, विजुअल्स देखे हैं, जरूर हमने देखा, कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन पुलिस किस लिए है? जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी, दोषी के ऊपर एफआईआर भी होगी, चाहे वो कोई भी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आज प्रदेश के अंदर कानून का राज है, तो जो भी कोई किसी ने अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, वो कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। कानून का राज है या ये कहें कि जंगल राज है, क्योंकि क्या जननायक जनता पार्टी इस घटना की क्या निंदा करेगी? आप निंदा भी नहीं कर रहे हो इस घटना की, आपकी बात ठीक है, जांच होनी चाहिए, कानून जांच करेगा, न्यायालय दोषी को सजा देगा, लेकिन प्रथम दृष्टि में अगर बात की जाए तो क्या जननायक जनता पार्टी को इस घटना की निंदा है वो नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ प्रवीण भाई, देखिए गलत, प्रथम मैं वही बार बार एक शब्द कानून का शब्द है। देखिए अभी पूरी बात का हमें मामला भी आया, विजुअल्स आपने देखे, हमने भी देखे, आप जानकारी पूरी ना आपको है ना मेरे को है, तो जैसे ही कोई बात निकल करके सामने आएगी पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूँ कि कानून से बढ़ करके कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है इस प्रदेश में। कानून निंदनीय नहीं मानते? नहीं बिल्कुल। देखिए अब जो दिखाई दे रहा है विजुअल्स में, किसी को भी मारना, चाहे वो अधिकारी क्या आम आदमी को भी, वो गलत है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज कह रहा हूँ, निंदनीय है या गलत है? नहीं गलत, आप क्या कहते हैं, गलत बिल्कुल गलत की निंदा ही होनी चाहिए, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा। अच्छा ये बताइए कि शराब घोटाले के छिट्टे हैं जननायक जनता पार्टी के दामन पर लग चुके हैं, उसमें क्या आप ये चीज कहना चाहेंगे कि कानून ईमानदारी से अपना काम करेगा, कानून ईमानदारी से जांच करेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, जितने भी नेता हो, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शराब घोटाले में अगर जांच अच्छे से की जाएगी तो जेजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल इसमें हो सकते हैं। और ये घटना तब सामने आई है कुछ ही दिन पहले,
दुष्यंत सिंह चौटाला जिनके पास आबकारी विभाग है, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में नई शराब नीति है वो लागू की थी। उस टाइम पे भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि आप लोगों ने अपने फायदे के लिए ये कहें कि हरियाणा प्रदेश को शराब पिलाने के लिए इस तरह के कानून है, आप लोगों ने बदले हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के 2 बारी मुख्यमंत्री रहे हैं जी, उनको ये पता होना चाहिए। जब उन्होंने टिप्पणी करी, आज वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, वो सीबीआई का मजाक। जब सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट करी, क्या बोले? बोले सीबीआई सरकार का तोता है। आज कह रहे हैं उसी एजेंसी को बता रहे हैं उससे जांच, कम से कम वो ये तय कर लें वो क्या क्या कहना चाहते हैं, या एक साइड डिसाइड कर लें। वो सीबीआई को निष्पक्ष मांगते हैं कि पक्ष किस प्रकार से मानते हैं। तो देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, और मैं फिर उसके लिए कह रहा हूँ, वो 2016 मामला है, वो पहले का मामला है, पहले रखी हुई थी, क्या नहीं हुआ? उसके अंदर एसआईटी गठित होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। और जो वो कह रहे हैं नीति के बारे में, अरे बिल्कुल वही नीति है, सिर्फ उसके अंदर फीस दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ाई कि आप, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम की नीति है, तो इसका मतलब क्या, इन्होंने कैसी नीति बनाई थी? अगर आज वो बात करें पुरानी नीति में सिर्फ फीस को बढ़ाया गया, आज वो इस नीति को अगर बता रहे हैं कि हरियाणा को शराब पिलाने वाली नीति है, तो वो उन्होंने अपने टाइम में बनाई थी, तो इसका मतलब उनकी क्या नीति थी? वो स्वयं अपने आप पर के टिप्पणी कर रहे हैं, वो किसी दूसरे पर नहीं कर रहे। इससे साफ पता चलता है कि वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, उनके पास कोई विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के नेता हैं बालकोनियों से चंडीगढ़ में कूद रहे हैं? आपको ये घटना पता होगी, बीजेपी के नेता हैं, लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो आपकी मांगे थी वो आज तक कोई मांगे उन्होंने मानी नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए वो वक्त आ चला है जब भाजपा से क्यों ना किनारा कर लिया जाए? प्रवीण भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम जो हैं हवा हवाई बातें करने वाले लोग नहीं हैं जी। जो चीज़ें फिजिबल हैं, देखिए हमारी एक सबसे जरूरी चीज़ थी कि 75% आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बच्चों को मिले नौकरियों में, रोजगार में, वो भी लाने वाला है जी। आपके कह देने भर से या मेरे कह देने भर से नहीं, हम कानून सम्मत बात करने वाले लोग हैं कि आपको कानून बना करके इस प्रकार क्या। आज मैं आपके बीच में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो वादे लोगों के बीच में करके आए थे वो वादे सारे पूरे करेंगे, तभी हम लोगों के बीच में दोबारा वोट मांगने जाएंगे, हमारा अधिकार बनता है। तो आप इस बात से बेचिंत रहिए, लेकिन आप एक चीज़, आप एक चीज़ मुझे समझें कि आपको किसी भी काम को कानून बनाने के लिए समय लगता है। आप हवा हवाई बात नहीं, घोषणा कोरी घोषणा करने वाले लोग नहीं हैं, हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। आज ये विरोधी कर रहे हैं कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं कनेक्शन मिल रहे हैं आज। और देखिए, आप आज हरियाणा प्रदेश का आप भाग्य देखिए कि एक ऐसा युवा आज हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है जिसने मात्र 1 साल के अंदर पार्टी बनाई और लोगों के कहने पर, आवाज पर पार्टी बनाई और आज प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से आज वो बैठे हैं सत्ता के गलियारों में, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन के। मैं आज भी देख रहा था, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं कि जहां का प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी खुले तौर पर लोगों से जुड़ता है, रोज उनकी बातें सुनता है साइबर चौपाल के माध्यम से, आज लोगों से जुड़े। एक कोई भी व्यक्ति प्रदेश का, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, एक आम व्यक्ति भी सीधे मुख्यमंत्री से संवाद कर रहा था। देखिए, ये बदलाव की राजनीति, आज बदलाव शुरू हो गया। आज युवा अपनी बात के लिए, युवाओं के पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीधे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से, एक युवा से वो बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और तुरंत प्रभाव से उन समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो मुझे पता नहीं कि आपका विरोध है या नहीं है, लेकिन उचाना में लोगों का इतना विरोध है, जो आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, आपके जो सीएम साहब हैं, इस लॉकडाउन के दौरान ये खबरें तक सुनने में आई कि उनकी अर्थी निकाल दी गई है। देखिए प्रवीण भाई, क्या ये आपको लगता नहीं कि नाराजगी है कहीं ना कहीं लोगों की उभर के आ रही है? प्रवीण भाई, मैं सबसे पहले तो एक चीज कह दूं, जिन लोगों को राजनीति करनी है ना, वो इन बातों पर राजनीति करेंगे। ये विपक्ष का, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आपको एक बात बताऊं, खुले तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है, आप मेरे विरोध में खड़े हैं, मैं तब भी आपकी तरफ खड़ा हूं, क्योंकि आपको मेरा विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार उस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उस संविधान ने दिया है जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं। उस संविधान में आपको मेरे से विरोध जताने का अधिकार उस संविधान ने आपको दिया है, तो आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का, हम संविधान की पालना करने वाले लोग हैं, जो विपक्षी विरोधी हमारा विरोध करना चाहते हैं वो उनका अधिकार है, वो करें। लेकिन मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं,
आज जब ऐसी स्थिति थी इस वैश्विक महामारी के अंदर कि लोगों को ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार किस प्रकार से खरीद करेगी और किसान को कितनी परेशानी होगी, मैं आज गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से 1800 से ज़्यादा लगभग मंडियाँ बना करके और जो सरकार ने खरीद करी, जो हमारा अन्नदाता है जिसके ऊपर हमारी ये मान के चलें कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है या पूरा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर हमारा अन्नदाता जो हमें खिलाता है उसको परेशानी ना आए, इसका पूरा ध्यान हरियाणा प्रदेश की सरकार डाला है। वो मंडियों में धरने पर क्यों बैठ रहे, क्या राजनीति कर रहे हैं? मैंने वो तो कह रहे हैं कि किसान परेशान है, वो तो सरासर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं बैठक चौटाला? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप किसानों को फोन लगाओ जी। पत्रकारों ने जब किसानों को फोन लगाया तो सीधे तौर पर किसानों ने कहा आगे हमारी पेमेंट। तो देखिए मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, मैंने फिर कहा था वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, विरोध करने का वो करें, लेकिन हम किसी विपक्षी दल को खुश करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं है। दुष्यंत आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति विशेष को या विपक्षी दल को खुश करने के लिए नहीं है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता के हितार्थ काम करने के लिए बैठे हैं और वो काम बखूबी कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि आज मैं एक ऐसे युवा का साथी हूँ जो हरियाणा प्रदेश की प्रगति और उन्नति में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ के लिए आश्वस्त कर देता हूँ कि उनके हाथों में हरियाणा प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में हरियाणा ऑन फास्ट ट्रैक, तो हरियाणा प्रगति और उन्नति के पथ पर चल पड़ा है और दुष्यंत जी बहुत अच्छा हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, कमेरे के लिए बहुत अच्छे उनके यथार्थ फैसले लेने वाले। जनाब कैसे फास्ट ट्रैक पे हरियाणा, पीटीआई हटा दिए गए हैं, क्या आपके डिप्टी सीएम साहब ने कोई बयान दिया है कि मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ? पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है पीटीआई को लेकर, क्योंकि अब तो ब्रिजेश हैं, सांसद हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के, वो भी बयान दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी है वो छीनी नहीं चाहिए, इसको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखो प्रवीण भाई ये जवाब मैं आपका अभी दे चुका हूँ इसी इंटरव्यू में, हम कानून से ऊपर नहीं है जी। कानून लॉ मैंने आपको बताया, कानून अपना काम करेगा। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, आप आनन फानन में झूठ बोल करके सिर्फ लोगों को प्रलोभन देने के लिए कोई वादा कर दो, अरे बकायदा कानून के जानकारों से सलाह लेकर के, कानून के जानकारों से सलाह लेकर के और इस मामले को किस तरह से इनको किसी भी प्रदेश के लोगों को परेशानी ना हो उनका आप स्थाई हल चाहते हैं कि टेम्परेरी, वो कहते हैं कि लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप देने हो, दुष्यंत जी लॉलीपॉप देने वाले व्यक्ति नहीं है, वो किसी भी चीज़ को पूरी गहराई में जा करके और ठोस कदम वो लेने वाले व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं कि किसी को खुश करने के लिए आप कुछ भी कह दो, बकायदा कानून सलाह लेकर के और वो पूर्ण रूप से जो हो सकता है, जो सरकार से बन पड़ेगा वो करेंगे। और ये माननीय न्यायालय का फैसला है, मैं तो कहता हूँ आपके टीवी चैनल पे कि अगर कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि आपको मिले तो उससे पूछ लेना कि ये किसने लगाए थे, क्या कमी छोड़ दी, क्या वहाँ घोटाला कर दिया कि इनको ये नौबत आई कि इनको हटाना पड़ा, या जो कांग्रेस के लोग आज इस पे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो इनसे पूछना क्या किया था इस भर्ती में, क्या घोटाला किया था कि माननीय न्यायालय को इनको हटाना पड़ा। अच्छा, आपके जजर जिले में प्रारंभ इंस्टीट्यूट उसको लेकर है विवाद, है कई दिनों से चल रहा है। अजय गुलिया, क्योंकि कुलदीप वत्स ने कहा था कि अपील की थी कि मैं चाहता हूँ कि जेजेपी के नेता भी इस चीज़ के लिए उनके साथ आएँ, बीजेपी के नेता भी इस चीज़ के लिए साथ आएँ, तो अजय गुलिया क्या मानते हैं प्रारंभ इंस्टीट्यूट को यहाँ से उठा के गुड़गांवा ले जाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप कितना संघर्ष करना चाहोगे? देखो स्वाभाविक रूप से ये बात तो तय है कि अगर हमारे झज्जर जिले के अंदर कोई चीज़ है मिली हुई है तो उसको वो बाहर जाएगी, तो हमारे लोगों के लिए तो कष्टदायक पीड़ादायक है जी। लेकिन अभी इस पर कोई बयानबाजी करना जल्दबाजी होगा, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं जी। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो हमारी बहन गीता बुक्कल जी विधायक रही, शिक्षा मंत्री भी रही, आज ये सवाल पूछ रहे हैं जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इनके स्वयं के गाँव में सैनिक स्कूल आया था जी, पास करके गए थे, घोषणा करके गए थे, बिल्कुल एक ईंट लगवा पाई क्या? ये एक ईंट नहीं लगवा पाई, अपने स्वयं के गांव को, अपने विधानसभा क्षेत्र को स्वयं पीछे धकेला ताकि लोग पढ़ लिख करके जागरूक ना हो जाएं, अपने अधिकार ना मांगे। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ये तो दुर्भाग्य है
दुर्भाग्य है कि झज्जर विधानसभा के अंदर फिर से हमारी बहन गीता बुक्कल विधायक बन गई। इन्होंने झज्जर विधानसभा क्षेत्र को पीछे ले जाने का काम किया। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनता, स्कूल बनता, मात्र नीलका अगर सैनिक स्कूल बनता तो आसपास के लोगों को, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को कितना अवसर, कितना अच्छा अवसर मिलता पढ़ाई करने का। कोई सेना में जाता, कोई और कोई कुछ बनता, लेकिन उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। वो शिक्षा मंत्री थी। बात नीलका का दुर्भाग्य क्या है, क्या कुलदीप बस को चुन लेना नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ की हार नहीं, देखिए आपको ना चुनना नहीं 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 नहीं। देखिए प्रवीण भाई, अभी मैं पीछे उनका एक देख रहा था, वो जाति विशेष पर कमेंट करते हैं। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का अपना एक धर्म होना चाहिए। वो कहते हैं कि अभी दुष्यंत जी के ऊपर आपने शायद वो सवाल अभी चर्चा कर रहे थे, आपने पूछा भी था मुझसे, दुष्यंत जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वोटों। मैं बता देता हूँ, कुलदीप ने बयान दिया कि आपकी पार्टी ने जाट कोम का हमेशा इस्तेमाल तो किया है, आपकी पार्टी ये कह के सत्ता में आई कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जाट आरक्षण के बच्चे थे उनको भी निकालेंगे। तो कुलदीप वत्स का कहना था कि आपने की पार्टी ने जाटों का इस्तेमाल तो किया है लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया है। नहीं, इस्तेमाल तो दीपेंद्र हुड्डा जी कर गए। कैसे? अपने नाम पे वोट मांग के, अपने नाम पे वोट मांग के एक ऐसे आदमी को बादली से विधायक बना दिया। हाँ। जो राशन कार्ड पे नाम देख के लोगों से बात करता है जी। तो ऐसे आदमी को नेता को बना दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आदमी को बना दिया जो नाम देख करके, नाम देख करके का लोगों के काम करता है। जबकि होना तो ये चाहिए, जब आप विधायक चुने गए तो आपको किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब कुलदीप वत्स एक जाति विशेष से रंजिश रखते हैं, आपका कहना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो दुर्भाग्य है मेरे विधानसभा क्षेत्र का। और दीपेंद्र हुड्डा जी अपने नाम पे वोट मांग करके ऐसे व्यक्ति को उन्होंने विधायक बनवा दिया बादली से, कि जो नाम देख करके लोगों से बात करता और उनके काम करता है। नाम में मतलब आप क्लियर कीजिए इस बात को। नहीं देखिए, मैं प्रवीण भाई, मैं आपकी शेक्सपियर तो ये कहते हैं नाम में क्या रखा है, आप कहते हैं कि विधायक है वो नाम देख के काम कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रवीण भाई हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोगों ने तो कभी इस बात का, अब आपने देखा भी होगा पार्टी के अंदर भी सभी साथी किस प्रकार से मिलजुल करके काम करते हैं, और कभी ना ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सभी को साथ लेकर के, सब जब साथ चलेंगे तभी सबका विकास संभव है और प्रगति भी तभी संभव है। लेकिन ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो इनको खुल करके कह रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा ने वोट तो दिलाए किसके नाम पर, अपने नाम पर, और उस व्यक्ति को बना दिया जो लोगों के नाम देख करके काम कर रहा है। कहीं ना कहीं अजय जी आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि बादली हल्के के जितने भी जाट नेता हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि जाटों की इतनी ज़्यादा वोट परसेंट होने के बावजूद भी एक ब्राह्मण को वहां से विधायक चुन लिया गया? क्या ये नहीं लगता कि इस तरह की सोच बादली के हर जाट नेता की है कि वोट, जाट वोट बैंक इतना ज्यादा होने के बावजूद भी अगर किसी दूसरी जाति से अगर विधायक बना लिया जाता है, शायद आप लोग इस बात को नहीं पचा पा रहे हो? नहीं, ये तो इसमें कोई पहली बार थोड़ी है। इससे पहले तो नरेश शर्मा को भी दो बार ही विधायक बनाया बादली ने। ये देखिए, बादली विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बारे ये चीजें कोई मायने नहीं रखती कि कौन किस जाति से आता है। देखिए भगवान, ये जिक्र आपने शुरू किया सर, मीडिया आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, नहीं होना चाहिए। आप कानून सब बराबर हैं, आप एक व्यक्ति का वोट चाहे वो कोई भी हो उसका बराबर है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि विधायक को कम से कम ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि वो किसी जाति विशेष के या किसी कुछ विशेष लोगों के विधायक नहीं है। हाँ। वो पूरे बादली के विधायक हैं, उनको ये भेदभाव लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए कम से कम। विधानसभा में पूरे बादली हलके के लोगों ने देखा है सर, दुष्यंत सिंह चौटाला को उन्होंने खुद बोला जब जाट समाज के लोगों ने कुलदीप वत्स को ज्ञापन सौंपा था कि आप विधानसभा में मांग उठाइए कि आरक्षण के जो बच्चे जेलों में हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकलवाया जाए। क्या वो बच्चे बाहर नहीं आए? क्या वो बच्चे बाहर नहीं आए? कहाँ पे आए? क्या वो पहले क्यों नहीं आए थे? सरकार बनने के बाद वो बच्चे बाहर नहीं आए? नहीं, मैं उस बात पे आऊंगा। ये सवाल फिर
अपनी पार्टी के सीएलपी लीडर से क्यों नहीं पूछा, उन्हें नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछते कि जब हरियाणा प्रदेश को जरूरत थी आप तो दिल्ली लुके बैठे थे, आप तो नहीं आए हरियाणा प्रदेश में, आप तो चुप, आप हरियाणा प्रदेश को जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली से करते थे, नहीं आए हरियाणा प्रदेश में। ये ज्यादा जितने सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल एक आधा सवाल अपने नेता से भी पूछ लें, नेता प्रतिपक्ष सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लें, जब हरियाणा प्रदेश को उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वो तो दिल्ली थे, नहीं आए। सांसद थे यहाँ से उनके पुत्र, तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे दो बारी, उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश को जरूरत थी वो तो नहीं आए थे, वो तो दिल्ली थे। अब जरूरत थी इस महामारी के दौरान तब वो नहीं आए, वो तो दब दिल्ली बैठे रहते। तो ये इतने सवाल पूछने की जो ये आदत है, ये अपने नेता से भी एक आधा सवाल पूछ लें कि कहाँ थे, ये पीटीआई के लिए ज्ञापन दे रहे हैं पूछ ले। अरे भाई ये तो विधायक है उस पार्टी के, और अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, जाए एक दिन, जाए एक दिन उनके पास और उनसे पूछें कि चोरी साहब क्या कर दिया था इन भर्तियों में 1983 जो ये पीटीआई निकल गया, ऐसा क्या कांड करा आपने, कैसे क्या घोटाला करा कि इन इन पीटीआई को माननीय न्यायालय को इनको निकालना पड़ा, आपने ऐसा क्या कांड करा था, एक बारी पूछ तो लें जी। आप जनप्रतिनिधि हो, आपको जब जनता ने आपको चुन दिया, देखिए राजनीतिक दल में हो आप किसी में, जरूर अच्छी बात है वो होना चाहिए जिसकी जहाँ आस्था वाना है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हो आप पूछो भाई आपने क्या करा था उस भर्तियों में, उस दौरान आपने क्या करा था जो इनको मान्य लाने निकाला। तो आप नाम लेके बताया कीजिए, हो सकता है शायद दर्शक हमारे, मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे जाके, आप नाम लेके बताया कीजिए, पूछे ना जी। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल भी मेरा ये रहेगा कि बड़ौदा सीट पर क्या आपकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा हो नहीं पाया है, और सूत्र ये बताते हैं कि अनिल विज को भाजपा ने तब तक रोक रखा है जब तक बड़ौदा चुनाव ना हो, उसके बाद भाजपा है कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है आपकी पार्टी के बाबत शराब घोटाले को लेकर। प्रवीण भाई हम सूत्रों ही नहीं मानते, हम तो फैक्ट्स में विश्वास रखते हैं। क्या फैक्ट्स? देखिए आज हरियाणा प्रदेश का जो विकास की गति है वो कहीं रुक ना जाए, और लोगों से सलाह मशवरा करके दुष्यंत जी ने निर्णय लिया हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार में वो शामिल हुए। अब बड़ौदा उपचुनाव है, जो दोनों पार्टियों का शीर्ष नेता बैठ करके निर्णय करेगा वो सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। अगर बड़ौदा की सीट हमारे जोड़ी में आती है तो बट पूरे बहुत शानदार चुनाव जननायक जनता पार्टी लड़ेगी, और बड़ौदा की सीट जीत करके चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी है वहां से उतरे। देखिए पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, जननायक जनता पार्टी का तो सबकी इच्छा रहती है राजनीति कि भाई ये सीट हमारे इससे आए बड़ौदा की, और बड़ौदा की सीट हम जीत करके सारे कार्यकर्ता ये चुनाव ये सीट जीत करके दुष्यंत जी की झोली में डालें, जननायक जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालें, ये सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है कि हमारे इससे आए। लेकिन जो भी निर्णय दोनों पार्टियों के नेता बैठ करके लेंगे वो सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कुछ यहाँ पे जो साथी हैं दर्शक हैं वो भी मौजूद हैं, और वो जब उन्हें पता चला कि आज अजय गुलिया जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका इंटरव्यू है, तो वो भी साथ में आए हैं, और उनके कुछ सवाल हैं। अजय जी आप अगर जवाब देना चाहें तो जी। तीन सवाल है आप एक एक करके आप पूछिए। हाँ, तीन सवाल है। सबसे पहले आपने बताया कि सैनिक स्कूल वर्सेज आपने यहाँ पर प्रारंभ किया। नहीं मैंने वर्सेज नहीं करा। मैं आपको एक चीज बता दूं, वर्सेज का अगर कांग्रेस पार्टी ने सैनिक स्कूल नहीं बनाया तो उनका हश्र आप देख सकते हैं कि वो 10 साल बैकफुट पर है, उसको आप सिमिलर नहीं कर सकते। पहला सवाल उसका जवाब नहीं। देखिए उन्होंने कहीं भी सैनिक स्कूल नहीं बनाया तो हरियाणा की जनता ने उन्हें वोट की जो वोट की ताकत है उसे 10 साल कहीं ना कहीं दूर रखा है। आप इसको अगर रिवाइंड करके देखेंगे ना अमित, तो आप इसमें ये सुनेंगे कि देखिए हमारे जिले से कोई भी चीज़ जाए, अभी देखिए ये चीज़ें सारी प्रारंभिक हैं, कोई किसी के पास नहीं है, कोई फैसला नहीं हो गया है, ये मैं तो अभी आज तक तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये सारी रूमर हैं, विपक्ष की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं है, अगर जाए वो गलत है, वो नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सवाल कौन पूछ रहा है आज, सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जब स्वयं शिक्षा मंत्री थे, इतनी बड़ी सौगात मेरे जिले को मेरे झज्जर को मिली और ये हमारे लोगों के लिए गौरव की बात थी, वो उसको लागू नहीं करा पाए ताकि ये लोग पढ़ लिख करके आगे ना निकल जाएं, लोगों को पीछे धकेलने के लिए पीछे रखने के लिए वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है। नहीं देखिए मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, निर्णय लेने वाला मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि वो रहे मेरे जिले के अंदर रहे, और जितना प्रयास हमसे हो सकेगा वो प्रयास भी हम करेंगे। अगर ऐसी अफवाहें हैं मैं तो उसको अफवाह ही कहूंगा,
लेकिन फिर भी अगर मैं 1% एक वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसको मान ले तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जिले के अंदर रहे। गठबंधन की बात करें तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन तो 2024 तक चलेगा, आश्वस्त कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको ये मानता हूँ कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और एक नए आयाम स्थापित करेगी हरियाणा प्रदेश के, खास करके युवाओं के लिए, किसान के लिए, कमेरे के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ करने में, हवा हवाई बातें करने में मैं आपके सामने बैठ करके कुछ भी कह दूं, लेकिन धरातल पर किसी चीज़ को लाने के लिए समय लगता है। और आप आश्वस्त रहें कि हरियाणा जो जो वादे करके आए थे वो सारे वादे पूरे करेंगे, तभी हम लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। गठबंधन 2024 तक स्थिर सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, उसके बाद में जब बात करें आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ भी टिकटार्थी होंगे, अजय गुलिया भी होंगे, तो कहीं ना लगता है अगर मान लो ज्वाइंट एडवेंचर में आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी किस्मत नहीं फंसी? देखिए, अजय गुलिया सैक्रिफाइस कर देंगे? नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं तो पार्टी का सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ जी, और जो पार्टी निर्णय लेगी, हम लोग एक संगठन है, एक टीम है, जो निर्णय पार्टी का होगा वो मुझे मंजूर होगा। और पार्टी जिसको भी टिकट दे करके मैदान में उतारेगी तन मन धन से उस साथी की मदद करेंगे। जो पार्टी, जो मेरी पार्टी निर्णय लेगी वो हम सबको मंजूर होगा। धन्यवाद प्रवीण भाई, आपने को सवाल पूछने। ये जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे अजय गुलिया। और सोनाली फोगाट का जो थप्पड़ कांड इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस घटना को इन्होंने पूरी तरह से निंदनीय बताया है। और एक इंटरव्यू की खास बात मैं ये भी बता देता हूं कि फिर से इंश्योर किया है कि जब तक पूरी घोषणाएं होंगी तो ही जनता के बीच में जो जननायक जनता पार्टी है वो जाएगी। एक चीज इंटरव्यू के दौरान में बादली कॉन्स्टिट्युएंसी को लेकर अजय गुलिया ने कुलदीप बस पर सीधा सीधा आरोप ये लगाया है कि कुछ जाति विशेष के लोगों का बादली के जो विधायक हैं वो फेवर करते हैं और कुछ लोगों का मतलब है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राशन कार्ड पे नाम देख के विधायक हैं बातें करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर हमला बोला है कि पीटीआई हटाए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोई गलतियाँ की थी, कोई घोटाला किया था, इस कारण है वो पूरी तरह से हटाए गए हैं। शुक्रिया।